दिव्य संभाषण पातिव्रत्य ही नारी लक्षण तुम्हें मो एक प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु देवता जमं प्रति भयभीत से पृथ्वीर प्रत्येक कोण से विचरण करती पृथ्वी जो मान जीवन यात्रा शेष हुए से प्राणवायु को नहीं जाती। पातिव्रत्य नारी मान मापशक्ति विभूषित कै जम जेतेबले सावित्री पति सत्यवान जीवन नहीं गले सावित्री अतिशय शोकाकुल हो पड़े और पति जीवन फेराइ देवा प्रार्थना कले से कहले तुम्हें मोर पति जीवन फेराइ दियो नहले मो जीवन मध्य नहीं जाओ मु मोर पति बिना बंची पारिबी नाही आमे एक अटु तांको पति जीवन नहीं जम चली जावाकु बाहर बेले सावित्री तांकर पथरोध कले आगक जावाकु देले नाही तांको प्रार्थना सुनिबा छड़ा जमंकर आउ किछि विकल्प नथिला। से तांको पचारिले माता तुम्हें कौन चाहुछ सावित्री कहले मो पति को मते फेराई दियो तांको बिना बंची रहिबा उपक्षय संभव नहि। शेषरी जमंकु तांको प्रार्थना मानिबाकु एवं सत्यवान को पुनर्जीवन देबाकु पड़िला। जम केवल सत्यवान को पुनर्जीवन देले नाहि मात्र से उभय सावित्री और सत्यवान को अनेक वर मध्य प्रदान कले जेहेतु से सावित्री पातिव्रत्य और संकल्प प्रीत होते सावित्री पातिव्रत्य शक्ति जो से मृतपति जीवन फेराई आनी पारे। चंद्रमती पवित्र भारत भूमि आउ जड़े महीयसी नारी जे पृथ्वी में पातिव्रत्यर उज्जवल आदर्श प्रतिष्ठा करते से पति हरिश्चंद्र और पुत्र रोहिताश्वर सह वन भितर दे जाऊथिबा बेले हठात दावाग्निर कबलित होइगले जहाँ सेमानंकर जीवन प्रति आतंक सृष्टि कला। सेतेबेले चंद्रमती प्रार्थना कले मु जदि प्रकृतरे पतिव्रता नारी होइथाए एवं मोर जीवन सारा धर्म पालन करथाए तेबे एही दावाग्नि निर्वापित होइ जाओ। आउ देखो आखि पिछुड़ा के निया लिभिगला एवं संपूर्ण अरण्य शांत ओ सुस्थिर होइगला। पतिव्रता नारीर तप और पातिव्रत्य शक्ति एपरि महान भगवान से ही नारी मानंकु साहाज्य करंती जो माने पातिव्रत्य धर्म रे सुप्रतिष्ठित। चंद्रमती सर्वदा तांकर पतिंकर अनुसरण करथिले एवं मुहूर्तक पाई भी तांको विरह सह्य करि पारनथिले ताही पतिव्रता नारीर लक्षण। उभय पति और पत्नी सेमानंक जीवन सारा संघति पूर्वक जीवन यापन करबा उचित। एठरे भगवान ऋषि विश्वामित्रंक द्वारा कठोर परीक्षार सम्मुखीन होबा बेले भोगिथिबा अकथनीय दुर्दशा प्रति दृष्टि न देई राजा हरिश्चंद्र और तांकर पतिव्रता पत्नी चंद्रमती किपरि सत्य और धर्म को धरे रखिथिले गुणवान जीवन उज्ज्वल आदर्श स्थापन करथिले से विषय वर्णना करथिले। ये भारत भी होउछि जन्म केते महीयसी नारी मृतपतिंकर जीवन फेराई आणिले सती सावित्री दुष्ट मना व्याधि कलि भस्मीभूत पतिव्रता दमयंती सीतांक सतीत्व हैला प्रमाणित अग्नि मध्यरु बाहर पतिपत्नीक एकत्वरे ही जीवनर परिपूर्णता। सीतांकु अग्नि परीक्षार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबा बेले अग्नि देवता अग्निरु बाहरिले एवं रामंकु कहिले सीता जणे महान पतिव्रता नारी सीता चंद्रमती दमयंती और सावित्रींक भळि अनेक पतिव्रता नारी भारत भूमि जन्म ग्रहण करथिले। लोक माने जमंकु भय करंती किंतु जम पतिव्रता नारी को भय करंती। सावित्री जेपरी निजर पातिव्रत्य शक्ति बलरे तांकर मृतपति जीवन फेराई आनी पारिथिले सेहिपरी सीता मध्य निजर पातिव्रत्य शक्ति बलरे ज्वलंता अग्निरु अक्षत अवस्थारे बाहरिथिले। भारतर पतिव्रता नारी मानंकर एसबु दृष्टांत पत्नी पई पति ही देवता बोली आदर्श प्रतिष्ठा करे एतादृश नारी मानंकर द्वारा स्थापित आदर्श भारत को विश्वगुरु और देश मानंकर नायक करथिला। भारत व्यतीत पृथ्वीर अन्य कोनसी देशरे तुम्हें नारी मानंकर एपरी दृष्टांत पाई पाइब कि जो माने सेमानंकर मृतपति मानंकर जीवन फेराई आनिछंती तुम्हें समग्र पृथ्वीर अन्वेषण कले भी एपरी पतिव्रता नारी पाइब ना। यही भारत भूमिर पवित्रता हीपरी से भगवान भारत अवतरण करने को भल पाती। नारी मैंने जपरी
ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୀବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ହେବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ତାର ପତି ସତୀବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ପତ୍ନୀ କଦାପି ତା ପତିର ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ କମ୍ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତୀବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କଥା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ଆଜି ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ପାତିବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ ତୁମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପତିବ୍ରତ ନାରୀ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତାଦୃଶ ପବିତ୍ର ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ଦେହ, ମୋ ରୁମାଲ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୋର କିଏ? ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବା ମୁଁ। ମୁଁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ବିନା ଯଜ୍ଞ ଓ ଜାଗ ଆଦି ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତୁମେ କହୁଛ ଏହା ମୋର, ତାହା ତୁମର। ତୁମେ ମୋର ଓ ତୋର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ ନ କରି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ଓ ତୋର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ଓ ମୁଁ ଏକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କର। ସାଇକୁଲ ବନ୍ଥଲ ଭବନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟ 18 ମଇ 2010 ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇବାବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସାଇରାମ।